नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एरोजोम गेमिंग। तो आज हम लोग देखेंगे मल्टीप्लेयर और BR के लोडआउट में गन कैसे सिलेक्ट करते हैं और कौन सी गन सिलेक्ट करते हैं। पहला मल्टीप्लेयर का देख लेते हैं। तो ये मल्टीप्लेयर में लोडआउट में जाएंगे हम लोग, लोडआउट में जाएंगे। यहाँ पे आपको स्लॉट्स दिख रहे हैं लोडआउट्स के, 1, 2, 3, 4, 10 तक। मेरे अभी 10 तक खुल गए हैं, 10 तक स्लॉट खुल गए। तो आपको एक दो, आपका नया अकाउंट है, अगर आपका नया अकाउंट है, अब आप बिगिनर हो तो आपके 1, 2, 5 तक स्लॉट ओपन रहेंगे शायद। तो यहाँ पे लोडआउट में जाने गए। यहाँ पे आप नीचे आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हो, लोड आउट पे लोड आउट 1 लिखा, उधर क्लिक करके। मैंने चेंज नहीं किया है। तो देखते हैं यहाँ पे गन पे सिलेक्ट करने का। यहाँ पे असल्ट राइफल या अपने AR गन्स, मेरे को सबसे बेस्ट ये वाली गन लगती है, AK-117। क्या पता भाई, मैं ऑब्सेस्ड हूँ इस गन से, बहुत पसंद है मेरे को ये गन। तो यहाँ पे जाने का, गन पे क्लिक करने का, यहाँ पे अटैचमेंट लगाने का, उसका फायरिंग रेंज एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। ये एमओस का ये मैगजीन 48 राउंड का, जितना ज़्यादा गोली होगी उतना अच्छा है अपने के लिए। तो ये सिलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ पे जाके ऑप्टिकल स्कोप आपको जो चाहिए वो, और हाँ ये अटैचमेंट्स है, ये स्कोप सब मेरे तो ओपन है क्योंकि मेरा खेला हूँ मैं ये लास्ट वाले ओपन, ये 4x 6x पर। ये पर आपको जितना आप जितना गेम खेलोगे उतना ही गन्स के अटैचमेंट खुलते जाएंगे। यही गन लेके आपको मल्टीप्लेयर BR में खेलना पड़ेगा अगर आपको इसका अटैचमेंट चाहिए तो। ये देखो ये एक्यूरेसी बढ़ाता है इसकी, इसके लिए इक्विप करता हूँ मैं। ये लेज़र की तो नहीं चाहिए भाई लेज़र। ये अपना फोर ग्रिप अपने रिकॉल कंट्रोल के लिए यहाँ पे लिखा है, देखो वर्टिकल रिकॉल कंट्रोल, ADS बुलेट स्प्रेड एक्यूरेसी। तो ये भी सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, अटैचमेंट लगा लेते हैं। मजल देखते क्या ये वाला है, देखो इसका एक्यूरेसी 72 है और कंट्रोल 57। देखते हैं, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और यहाँ पे स्टॉक, शायद स्टॉक सिलेक्ट नहीं होगा, हो गया, ओके, क्योंकि यहाँ पे 5 से ज़्यादा अटैचमेंट लगा नहीं सकते। ये देखो आप यहाँ पे कुछ लगाने जाओगे तो ये ऐसा पूछेगा, ये रिप्लेस करना पड़ेगा अपने को। तो 5 अच्छे वाले लगा के रख दो अटैचमेंट्स और आप इधर से इक्विप कर लो। इक्विप करने के बाद ये गन आ जाएगी लोड आउट में, ऐसे आप अपने गन सिलेक्ट कर सकते हो मल्टीप्लेयर में। ये AR गन है, यहाँ पे स्नाइपर्स होते हैं, कुछ जो स्नाइपर पसंद है वो लगा लो। क्विक इक्विप करके गन स्मिथ में जाके आपका उसका अटैचमेंट लगा लो, हो जाएगा। ये शॉर्ट गन्स है, ये SMGs, अरे मेरे पास कार्नेटेड की स्किन है शायद ना। ये देखो ये तो मैंने यूज़ की नहीं है भाई। चलो ये तो हो गया मल्टीप्लेयर का, अभी BR का देखते हैं। BR का ये कस्टमाइज एयरड्रॉप वेपन्स, मतलब ये है लोडआउट्स जो सिर्फ 5 ही अवेलेबल है यहाँ पे बैटल रॉयल में। यहाँ पे ये सीन क्या होता है, मतलब कस्टमाइज एयरड्रॉप, अपन एयरड्रॉप पे जाएंगे तो एयरड्रॉप में आपको ऑप्शन आता है कि अपना कस्टमाइज वेपन चूज़ करो। तो मैंने आपको पहले मल्टीप्लेयर में बता दिया कि ये मेरे फेवरेट गन है, इसके लिए मैंने ये सिलेक्ट करके रखी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते गन स्विथ में जाके इसके अटैचमेंट लगाया मैंने, फोर ग्रिप, एक्सटेंडेड मैग, ग्रिप लगा के रखा हूँ बुलेट स्प्रेड की एक्यूरेसी के लिए। ये पे ये भी बैरल लगा के रखा हूँ, ऑप्टिकल का रेड डॉट लगा के रखा हूँ। तो ये मेरी गन है,
आप सिलेक्ट कर सकते हो, आप AKM भी सिलेक्ट कर सकते हो। AKM बेस्ट गन है ये गेम की, AKM ही बोल रहा हूँ भाई। पबजी निकल जा भाई, पबजी नहीं खेलना है। COD AK-47 AK-47, ये देखो इसका डैमेज 48 है, इससे तो ज़्यादा ही है, 10 पॉइंट्स ज़्यादा है इसका डैमेज। ये भी सिलेक्ट करके रखे मैंने, ये देखो सेकंड पे M4, थर्ड पे AK-47, इसको भी कस्टमाइज़ करके रखा हूँ। ये देखो ग्रिप लगा के रखा हूँ, एमओ एक्सटेंडेड नहीं लगाया क्या मैंने? ओ भाई ये क्या लगा के रखा है, चलो ठीक है ये तो नहीं लगाया मैंने। बैरल लगा के रखा हूँ बुलेट स्प्रेड एक्यूरेसी के लिए, टैक्टिकल स्कोप, रेड डॉट, स्टॉक लगा के रखा हूँ। तो ये सब मैंने लगा के रखा हूँ। यहाँ पे जो गन छे आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट में ये, सेकंड में M4 रखी है, थर्ड में AK-47, फोर्थ और फिफ्थ में स्नाइपर रखा हूँ। ये मेरे को स्किन मिल गए थे गनस्मिथ में जाके, यहाँ पे स्किन्स रहती है अवेलेबल आपको, इफ़ स्किन मिली रहेगी तो। रॉयल पास में मेरे को मिली थी ये गन स्किन, ये लगा के रखा मैंने। तो और ये क्लासेस VR मोड में क्लासेस, ये इंडिविजुअल ये क्लासेस रहते हैं, बहुत तरह के क्लासेस है इसमें। फर्स्ट ये इनविजिबल वाला, ये सेकंड स्काउट, ये थर्ड क्लोन, मेडिक, निंजा, डिफेंडर, मैकेनिक, ट्रिक्स्टर, ये एयरबॉर्न, ट्रैप मास्टर, स्मोक बॉम्बर, हैकर, ये मेरे अनलॉक नहीं हुए अभी तक, तो मैं यूज़ नहीं करता वो। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स्टर यूज़ करता हूँ, और ये इनविजिबल वाला आपको चाहिए रहेगा। ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है, राइट में यहाँ पे वीडियो है, राइट पे ऊपर राइट कॉर्नर में आप वीडियो को सीधा प्ले कर सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि ये क्या काम करता है। ये देखो ये ऐसा, ये देखो ये बंदा इनविजिबल हो गया, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आ गया अपने को इनविजिबल होगा, पर ज़्यादा से ज़्यादा दूर रहेगा तो दिखेगा नहीं, पर आप क्लोज रहोगे उसके बंदे के इनविजिबल वाले तो उसको दिख जाएगा। वो देखो दिख जाता है मतलब। और इसका एक ये है माइनस पॉइंट, एक है इसका कि आप फायर करोगे ना तो ये इसका ये इनविजिबल वाला स्किल डीएक्टिवेट हो जाता है अपने आप, मतलब आपको छुप के रहना है तो आपको फायर नहीं करना है। आप अभी ये हो मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप श्योर हो कि मेरे को हाँ बंदा मैं मार सकता हूँ, तभी आप वहाँ पे फायर करना बंदे पे, क्योंकि फायर करने पे बंदा विजिबल हो जाता है सामने वाले को। तो ये सब सीन है। ये मल्टीप्लेयर्स के लोड आउट्स में जाएंगे तो ये यहाँ पे गन, सेकेंडरी गन जो अपने को लेनी है वो, यहाँ पे मिसाइल नाइफ है, ये मिसाइल्स है, पिस्तौल्स है, और ये स्किल्स है ऑपरेशन स्किल्स मल्टीप्लेयर में यूज़ होते हैं, ये भी अनलॉक हो जाते हैं जितना आप गेम खेलोगे उतना अनलॉक होते जाएगा ये, नहीं तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, 200 सी पॉइंट्स में मिल जाता है। ये देखो मेरे अभी 4000 है सी पॉइंट्स ये वाले, तो यहाँ पे स्टोर में जाके आप ये ख़रीद सकते हो, सी कॉइंस पे क्लिक करो। ये देखो ये गन्स अवेलेबल है यहाँ पे, बैकपैक एक ही है अभी तक, स्प्रे भी एक ही है। ये देखो ये स्किल्स है VR और मल्टीप्लेयर दोनों के स्किल से कर सकते हैं। और ये क्या मालूम क्या सीन है वो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।